हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो आशा करते हैं सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी ठीक ठाक है। अभी सुबह का 7 बजने वाले हैं, अभी 10 मिनट बाकी है। तो हम लोग 6:30 बजे उठे। बाप माँ बेटा, बाप तो सो रहा है। तो सोचिए अभी उसके लिए खाना वाना बनाते हैं। ये तो देखिए गोदी में उठ के बैठा हुआ है, अभी मान ही नहीं रहा है उतरने के लिए। इसका बाप भी सो रहा है, तो क्या करे। तो सोचा सुबह सुबह ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, प्लस आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ कितना मतलब भरा पड़ा है। बहुत ही ठंड है यहाँ पर। मेरा बिट्टू इसलिए ना मोमो गोटी टाइम होता है मेरे बिट्टू को। तो अभी मैं उसका खाना बिठाऊंगी, बाबू का स्टेरलाइज, और उसका पापा का भी खाना रेडी कर देती हूँ। क्या करती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी उठा मेरा हस्बैंड, देखिए 7:30 बज रहे, एक कप ड्यूटी जाएगा, कब से मैं बुला रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये फ्राइड राइस बना लिया है, इसमें मैंने आलू और बंधा गोभी साथ में दिया, और ये मेरा चाय हो रही है। तो बाबू का भी खाना हो गया है, तुम जाओ मैं लेके आ रही हूँ। सब कुछ मैंने कर दिया है ऑलरेडी, मेरा काम फिनिश हो चुका है अभी सुबह का। तो अभी इसको ये टिफिन में डाल देगा और ये चाय पी के जाएगा ड्यूटी। तो बीटू को भी खाना अभी खिला देंगे। तो उसका खाना तो हो चुके, ठंडा होने के लिए रखा मैंने। तो मेरे बीटू पापा का रेडी कर दिया टिफिन। तो हम लोग आज सैटरडे है ना, निरामिष है, तो हम लोग दूसरा कुछ तो आज वो नहीं होगा, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं। तो यही होगा आज, वो खाएगा 10 बजे तक ऑफिस जाके फिर। और बीटू ए उसको थोड़ा मुड़ी दिया है और ऐसा ही करके बेड से उठा उठा के खाता है। देखिए कितना सुंदर करके खाता है मेरा बिच्चू। उसका खाना देखे मेरे को अच्छी लगती है बहुत। प्याला प्याला बिच्चू, मेरा प्याला प्याला बिच्चू ने पीड़ी चाय। तो इसमें मुड़ी वो धनिया पत्ता और ऑयल के साथ वो किया हुआ है, चाय ले लिया। तो मेरा हस्बैंड अभी ड्यूटी जा रहा है, तो उसका पापा जा रहा है ड्यूटी। हम लोग आए हैं तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं आंटी के घर में करी पत्ता लेने। मेरे को तो पसंद है, आप लोगों को पहले भी बोला। बिट्टू भी देखिए ना, नाक में कितना लगा है बिट्टू का, इतना चोट आया ना उस दिन, गिर गया था। पापा टाटा करो टाटा। उन लोगों का घर ना बहुत सुंदर है, आप लोगों को भी दिखाते हैं बाहर से थोड़ा। सामने सामने पूरा फूल गार्डन, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आंटी के घर, देख सकते हैं बहुत ही मतलब सुंदर सा घर है, मेरे को तो बहुत पसंद है। उसका जो डिजाइन है ना बहुत ही सुंदर। लोगों ने करी पत्ता ले लिया, अभी जा रहे हैं। मेरे को ना चावल भी लेना है, जो मतलब अलवा चावल होता है ना वो वाला, क्योंकि पीछा बनाना है, व्यू आ रहा है सामने। इसके लिए थोड़ा बहुत हर बार ही रेडी करते हैं, तो इस बार भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत करेंगे बोल के आंटी को चावल मंगा था 2 किलो, तो बोला है देगा बोल के, तो कल परसों लेके आएगा। अभी टाइम नहीं है उसके पास, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी बैठे नहीं है, तो जा रहे हैं अभी रूम की तरफ। और मेरे को खाना भी बनाना है, आज मैं सोयाबीन का सब्जी बना रही हूँ, आलू के साथ इसको तड़का लगाएगा। और चावल तो बन चुकी है, तो जाते हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। मैं बिठा रही हूँ खाना, तो देख सकते हैं मैं सोयाबीन फ्राई कर रही हूँ। तो आज सोयाबीन का सब्जी बनेगा, तो सब्जी बनाएंगे। और मसाला भी पीस के रख दिया मैंने। ये लोग सब खट्टा खा रहा है, खत्म कर दिया तू दे बाबी, खत्म कर दिया है। मेरा बीटू देखिए कहाँ पर, ये धूप ताप ताप के खा रहा है। इसका खाने का स्टाइल देख के ना बहुत ही मजा आती है मेरे को। खाता है। तो सर्दी सब्जी के लिए मैंने करी पत्ता का तड़का लगाया, देख सकते हो। तो अभी मैंने तड़का लगा दिया, तो अभी मैं आलू डाल के इसमें वो कर रही हूँ। मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया, मसाला वगैरह, और मैंने टमेटो काट करके दिया है इसको, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी इसको अच्छे से थोड़ा टाइम फ्राई करेंगे, तो उसके बाद मैं पानी ऐड कर दूंगी। कर दिया देख सकते हैं अभी। तो मैं अभी ढक्कन लगा दूंगी 5 मिनट्स के लिए, अभी बाहर बाबू को लेके जाते हैं थोड़ा। तो मेरा ये सब्जी हो चुकी है देख सकते हैं। तो मैं ये भी बनाया था बाबू के लिए, तो अभी मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। बेटा ना नहीं मान रहा है, तो उसको फोन दे रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा हिमूल में, बाबू को रख के आई, देखिए ना अभी वो सो गया, उसको लेके फिर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं मेरा, तो इसकी वजह से रख के आई, जल्दी जल्दी काम निपटा के आ जाएंगे बोल के। और मैंने ये लगाया आज, मतलब कभी नहीं लगाई, पहले लगाती थी, इतना दिनों बाद लगाई हूँ आज। तो जाते हैं बाद में आप लोगों से बात करते हैं। तो मुझे ऑटो मिल चुकी है जाने के लिए, तो अच्छा ही हुआ। काम फिनिश करके घर ब्रेक हो रही हूँ, तो आश्रम पारा का रोड है, दूसरी तरफ से मैं आ रही हूँ, थोड़ा अंदर वाला रोड है ये। तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली अभी पहुंच ही चुकी हूँ। तो ये रास्ता आप लोगों ने देखा, तो यही इस रास्ता से सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ा जाना पड़ेगा। काम जल्दी जल्दी हो गया इसके लिए थैंक्स, क्योंकि नहीं तो लेट होने से बाबू अभी अभी तक नहीं उठा होगा मुझे लग रहा है जा तक। तो जल्दी जल्दी से मैं जाती हूँ। टोटो मिला जाते वक्त आते वक्त, तो थोड़ा
ठीक हुआ क्योंकि टोटो नहीं मिलने से मेरा लेट हो जाती, पैदल आने में थोड़ा दूर पड़ता है ना इसके वजह से। तो हम जाते आप लोगों को साइड का थोड़ा लोकेशन दिखा देते। तो फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद में आई हो ये मेरा के सामने, तो फिर मैं चावल भी खाई हूँ देख सकते हैं, और दोपहर का सब्जी है उसे मैं आज खाना खा लेंगे। तो मेरा हस्बैंड अभी तक नहीं आया, अभी 8 बजे आज बज रहा है, तो मेरा बेटा को दिखाते हैं क्या बदमाशी कर रहा है। आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए ये सब, देखिए ये हालत तब से ये देखिए सब बच्चा। तो हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं बेटा को रख के, देख सकते हैं मेरा हस्बैंड ये बैगन का भरता बना रहे हैं धनिया पत्ता सिर्फ और मिर्ची के साथ। रात को ना ठंडा दिन में ना ये मतलब बैगन का जो भरता है बहुत टेस्टी होता है, तो इसे में खाना बन जाता है। तो ये भी है और दोपहर का सब्जी भी है, आप लोगों को दिखाया था शायद मैंने ये सोयाबीन का जो सब्जी बनाया। तो ये तो फ्रेंड्स तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, व्यूज भी नहीं हो रही है मेरी, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो और मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियोस ला सकूं आप लोगों के लिए। ऐसा है ना कि मैं कुछ बना सुना के नहीं बोल सकती, जो प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में होता है वही मैं बोलती हूँ, वही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरा जो नॉर्मली लाइफ फूड है लाइफ स्टाइल है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, कोई बना सना का तो नहीं बोल सकती दूसरों की तरह। तो जो भी नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वही शेयर करती हूँ, तो प्लीज जिसको भी मेरा जो वीडियो से पसंद आती है तो प्लीज थोड़ा मेरे को सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो बाय बाय, गुड नाइट सभी को, तो लव यू ऑल, तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और बैगन का भरता किस किस को खाना आए तो आ जाइएगा।